सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग थोड़ी सी अनएक्सपेक्टिंग वे में होती है, जिसमें हम सभी को ही मूवी की शुरुआत में एक स्टेफनी नाम की लड़की को दिखाते हैं, जो कि वह हर एक दिन के तरह एक सुनसान से इलाके में आकर मॉर्निंग में फोन पे अपने फ्रेंड रॉब से बात करते हुए, जैसा कि अभी हम सभी देख ही सकते हैं, स्टेफनी वो अपने कुत्ते को ही टहला रही थी। तो तभी ही आउट ऑफ नोवेयर स्टेफनी का डॉग वो एकदम से उसके हाथ से झटक कर इसे ही वियर्ड से इलाके में बने हुए बेसिकली खेत के बीचों बीच वो कुत्ता एक फार्म हाउस के अंदर चले जाता है। तो जहाँ पर अपने कुत्ते को ऐसे भागते हुए देख स्टेफनी, जिसके पास और कोई चारा ही नहीं था, वो भी अपने कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे उस फार्म हाउस के अंदर चली जाती है। तो जितना फार्म हाउस के अंदर आते ही स्टेफनी वो आसपास देखकर अपने कुत्ते को आवाज देते हुए उसको बुला ही रही थी। तो तभी ही बॉयलर रूम के अंदर आकर स्टेफनी के मुंह पे अचानक से एक लोहे के कांटों से भरा हुआ शॉकिंगली स्प्लिटर आके लग जाता है, जो कि सही में देखने में ही काफी काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग था, क्योंकि उस स्प्लिटर के मुंह पे लगते ही स्टेफनी के पूरे चेहरे के अंदर लोहे के तार घुस गए थे। तो बस सब जाहिर से ही बात ही होना क्या था, स्टेफनी उसके मुंह पे उस लोहे के स्प्लिटर के पड़ती ही, जो कि सम हाउ जैसे तैसे सरप्राइजली अभी भी जिंदा थी, वो भागकर इस फार्म हाउस से निकलती। तो उससे पहले ही वो किलर जिसने स्टेफनी को मारा था वो उसको पीछे से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर एकदम से फार्म हाउस का गेट बंद करते हुए बड़े ही बहरे में से उसको बीच में से ही फाड़ कर बूट रोल तरीके से मार डालता है। वेल, अब आखिर में स्टेफनी को किसने इतनी बुरी तरीके से मारा है, तो इसके बारे में आप सभी को भी थोड़ी ही देर में मूवी में अपना पे ही देख कर पता चल जाएगा। तो बस सब सीन सीधा घूमकर उस क्रिपी इंसिडेंट के तकरीबन एक हफ्ते बाद तो कुछ 3-4 टीनेजर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस होता है, जिन सभी के ही नाम कैफ, माइकल, जॉन, उनकी गर्लफ्रेंड केटी, मारिया एंड सोफिया को दिखाते हैं। जहाँ पर मारिया एंड उसके सभी ही फ्रेंड्स वो तकरीबन 2 दिनों के लिए कैफ के 21 बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आमतौर पर सिटी में डाउनटाउन में बनाने के बजे और कई नहीं बल्कि कैफ के ही गाँव मिशिगन आए हुए होते हैं। जहाँ पर कैफ का कोई फैमिली 50-60 साल पुराना केबिन मौजूद था, जिसमें अभी ऑब्वियसली कैफ के अंकल एंड आंटी रह रहे होते हैं, उसके अंदर सेलिब्रेट करने वाले थे। तो बस सब देखते ही देखते कैफ के वैन के ड्राइव करते ही जॉन, माइकल, केटी कैफ के केबिन पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कैफ वैन से निकल कर ठीक अपने सामने ही खड़े हुए, जैसा कि मैंने आप सभी को भी थोड़ी देर पहले ही बताया, अपने अंकल रिकी एंड आंट जूलिया से अपने सभी ही दोस्तों को उनसे मिलवाता है। तो जहाँ पर ऐसे मिलने एंड बातचीत करने के बाद कैफ और उसके बाकी सभी ही दोस्त वो केबिन के अंदर चले जाते हैं। वेल, आप सभी ही सोच रहे होंगे कि आखिर में मूवी की स्टार्टिंग में हुए स्टेफनी के इंसिडेंट से कैफ और उसके दोस्तों का उससे क्या लेना देना है। तो दरअसल सीनरी कुछ ऐसा है कि जिस जगह पर हम सभी ने स्टेफनी को मरते हुए देखा था, जिस फार्म के अंदर मरते हुए देखा था, तो शॉकिंगली वो फार्म और कहीं नहीं बल्कि जैसा कि अभी हम सभी देख रहे हैं कैफ के केबिन के बिल्कुल ही ठीक पीछे बने हुए सरप्राइजली मौजूद होता है। तो बस अब इसे के ही चलते और मूवी में आगे जो कुछ भी होने वाला था वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टिंग होने वाला था। आइए देखते हैं कैसे। तो अब सीन सीधा घूमकर नेक्स्ट डे कैफ की बर्थडे पार्टी के ऊपर ही फोकस होता है, जहाँ पर कैफ के सभी ही दोस्तों के साथ साथ फार्म के ही कुछ और लोग भी आए हुए थे, जो कि वो सभी ही मिलकर बेसिकली नाश्ते गाते हुए कैफ के 21 बर्थडे को बना रहे थे। सो बाय द वे, अब जैसे तैसे सक्सेसफुली कैफ की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के बाद सीन अब इसी ही दिन रात को सबसे पहले माइकल एंड केटी के ऊपर फोकस होता है, जो कि ये दोनों ही केबिन के अंदर से निकलकर खेत के अंदर ही खड़ी हुई अपनी वैन के पास जाते हुए उसमें आपस में इंटीमेट होने के लिए ही जा रहे थे। तो तभी ही आउट ऑफ नोवेयर उस कपल के वैन के ठीक सामने एक अजीब सा जानवर का मास्क पहना हुआ, हाथों में पिग फ्रॉक लिए हुए एक आदमी आ जाता है, जो कि ये और कोई नहीं बल्कि स्टेफनी को जान से मारने वाला ही बंदा था। वो क्रीपी आदमी अपने ठीक सामने उस कपल को देख एकदम से उनकी तरफ भागकर अपने हाथ में लगे हुए पिच फ्रॉक से एक ही झटके में बिना कुछ सोचे समझे केटी के गले एंड माइकल के सर को ठीक ऊपर से ही फाड़ कर चिटड़े करते हुए बहरे में से मार डालता है। बट बात अभी इधर ही खत्म नहीं होती। वेल, केटी एंड माइकल कैसे मरते ही मारिया वो अपने फ्रेंड्स
कैटी एंड माइकल को इतनी देर से पार्टी से ऐसे जाता हुआ देख केबिन से बाहर आकर, नॉर्मली उनको ढूंढने के लिए ही आई थी, तो तभी ही कुछ ही कदम चलते ही मारिया को ठीक अपने सामने अपने फ्रेंड्स कैटी एंड माइकल तो नहीं मिलते, बट सरप्राइजली उसको ठीक सामने की तरफ खड़ा हुआ और कोई नहीं बल्कि वही पिच फ्रॉक वाला क्रिपी सा आदमी देखने को मिलता है। तो जिसे देखते ही मारिया वो उससे डर के भागती ही, बट अनफॉर्चुनेटली वो आदमी मारिया के इधर से भागने से पहले ही इससे ही मक्के के खेत के अंदर माइकल एंड केटी की तरह ही मारिया को भी उसके पेट के अंदर पिच फ्रॉक घुसाकर सारी की सारी अंथड़ियों को बाहर निकालते हुए ब्रूटलाइज तरीके से मार डालता है। तो हाउएवर अब केटी मारिया एंड माइकल कैसे मर जाने के बाद सीन अब सीधा केव जॉन सोफिया एंड बाकियों के ऊपर फोकस होता है, जहाँ पर ये सभी ही फाइनली पार्टी खत्म होने के बाद केबिन के आसपास अपने काफी देर से माइकल केटी एंड मारिया को न देख जो कि उनके साथ क्या हुआ है, तो वो तो हम सभी ने भी देख लिया है। तो एग्जैक्टली इसी ही बात से अंजाम जॉन केन एंड सोफिया ये अपने बाकी फ्रेंड्स को केबिन के आसपास के ही एरिया में देखकर उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो तभी ही उससे ही वक्त ठीक पीछे की तरफ से एक बार फिर से वो क्रीपी सा मास्क पहना हुआ आदमी आ जाता है, जहाँ पर वो अपने हाथ में पकड़े हुए कुल्हाड़ी को फेंक कर सीधे जॉन की पीठ के अंदर घुसा कर उसको बहरे में से मार डालता है। तो जिधर पास में ही खड़े हुए केव सोफिया एंड पीटर वो ठीक अपने सामने उस क्रीपी आदमी के हाथों जॉन को से मरता हुआ देख तुरंत ही इधर से भागकर अपने केबिन में जाने की बजाय गलती से एक्सीडेंटली उसी ही आदमी के फार्म के अंदर चले जाते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तो बस सब जैसे तैसे उस आदमी के फार्म के अंदर आते ही पीटर केफ एंड सोफिया को ठीक अपने सामने की तरफ एक बड़ा ही चौंका देने वाला सीन ठीक अपने आंखों के सामने देखने को मिलता है कि उस मास्क वाले आदमी ने मारिया को भैरे में से मार कर उसके हाथ पैरों को लोहे की कांटों वाली चेन से बांध कर उसको हवा में टंगा कर बॉन्डेज बना रखा था, ताकि वो कृपया आदमी बाद में फार्म के अंदर आने के बाद मरी हुई मारिया के साथ शॉकिंगली इंटीमेट हो सके। तो खैर अब इस अनएक्सपेक्टिंग सीन को देखते हुए केप पीटर एंड सोफिया वो मारिया के पास जाकर उसके हाथ वगैरह में बंधी हुई लोहे की चेन वगैरह को खोलती हैं। तो तभी ही उससे पहले इस फार्म के अंदर वही मास्क वाला आदमी ही आ जाता है। तो जिसे देख पीटर व केबिन सोफिया को इमिडिएटली इधर से भागने के लिए कहता है ताकि वह कहीं से मदद वगैरह लेकर आ सके, एंड पीटर वो खुद अकेला उस आदमी से निपटने के बारे में सोचता है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता क्योंकि सोफिया एंड केबिन के फार्म से बाहर निकलते ही वो मास्क वाला आदमी सैम पीटर को भी उसके दोस्तों के तरह ही भैरे में से अपने पिच फ्रॉक से उसके मुंह के चितड़े कर मार डालता है। तो हाउएवर अब पीटर मारिया माइकल केटी एंड जॉन कैसे मरते ही सीन अब सीधा इस मूवी के एंडिंग के ऊपर फोकस होता है, जहाँ पर केफ एंड सोफिया इन्हीं खेत के रास्तों से भागते हुए अपने केबिन के पास ही जा रहे थे, पर तभी ही उससे पहले अनफॉर्चुनेटली जैसा कि अभी हम सभी देख रहे हैं केफ एंड सोफिया के सामने एक बार फिर से वही क्रीपी सा मास्क पहना हुआ आदमी ही आ जाता है, जहाँ पर वो बंदा केफ एंड सोफिया को इधर से जाता हुआ देख इन दोनों को भी सेंट पीटर एंड बाकियों की तरह ही बिना कुछ सोचे समझे अपने पिच फ्रॉक से भैरे में से उनकी बॉडी को बीच में से फाड़ कर एक ही झटके में दो टुकड़े कर मार डालता है। एंड बस हमारी ये मूवी फिलहाल के लिए एक इधर ही एंड होकर साल 2017 में आई। इस मूवी के प्रीक्वल नॉट सो कॉल्ड सिक्वल प्लैंक फेस्ट के लिए शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि आप सभी ने इस मूवी के अंदर देखा उन टीनेज स्टूडेंट्स की मौतों के अलावा उस क्रीपी आदमी की बैक स्टोरी के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है कि वो कहाँ से आया है और क्यों उसने बिना किसी रीजन के ही उन स्टूडेंट्स को इससे मारा है। एंड सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर में वो आदमी जानवरों का मास्क पहनने वाला प्लैंक फेस कैसे बना था। तो बस अब इन्हीं सवालों के जवाब जानते हुए हम सभी ही इस मूवी के प्रीक्वल में उस आदमी की ओरिजिन देखकर इन सभी ही अनसेटलिंग मैटर्स के बारे में उसमें अच्छे से फिगर आउट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी फिलहाल के लिए कुछ भी कहना हम सभी के लिए जल्दबाजी होगी। तो वेल दोस्तों, यही थी पिच फॉक मूवी की एक्सप्लेनेशन, एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसी ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।